प्रतिलेखन संख्या 52 स्टार्ट करता हूँ। महोदय, यद्यपि योजना के अंतिम रूप पर यह औपचारिक बहस अब हो रही है, हमने योजना के प्रारूप के बारे में काफ़ी ब्यौरेवार विचार किया था। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि योजना से ऐसा नहीं लगता कि कामों को निपटाने में तत्परता ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि योजना के प्रारूप और उसके अंतिम रूप में यही अंतर है। अंतिम रूप में हमने तात्कालिकता पर जोर दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि उसमें आज की प्रमुख समस्याओं की पहचान की गई है, जैसे बेरोजगारी या क्षेत्रीय असंतुलन अथवा अन्य ऐसी ही बातें। इनमें से कुछ समस्याओं के समाधान में कोई विलंब नहीं होना चाहिए और उन्हें तत्काल दृढ़ निश्चय के साथ हल किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें काम करना होता है। कुछ मान्य तरीके हुआ करते हैं, इनमें से एक है लोकतंत्री प्रक्रिया। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम कई काम एक साथ करें और इनमें से कुछ के बारे में हम सहमत भी हैं कि वे सही काम हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति वचनबद्ध हैं। हम जनता की राय से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें अधिकाधिक जनता और पार्टियों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है। मैं समझती हूँ कि अगर इससे हमारी गति कुछ धीमी भी रहती है तो भी हमारी प्रक्रिया को बल मिलता है और हम जो भी काम हाथ में लेते हैं उससे बल मिलता है। दूसरा तरीका मिश्रित अर्थव्यवस्था का है, जिससे शायद कुछ लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन जिसे हमने अपने लिए निर्धारित किया है। ऐसी अर्थव्यवस्था की अनेक त्रुटियां भी होती हैं, लेकिन हमारे देश में जो परिस्थिति है उसमें हमारी सरकार हमारे पूर्ववर्तियों और आज के सहयोगियों ने यह अनुभव किया है कि हमें इस तरीके को अपना कर चलना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ मेरी समझ से ये नहीं है कि कुछ समृद्ध परिवारों को इसका लाभ मिलता रहे। कृषि या लघु उद्योग जैसे अनेक क्षेत्र कमज़ोर वर्गों के लाभ के लिए निजी क्षेत्र में रखे गए हैं और हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपने लिए लोगों को अनेक कार्यक्रम अपने हाथ में लेने के अलावा उनमें अपने लिए काम करना चाहिए। मुझे मालूम है कि स्वाधीनता के तुरंत बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसका कुछ परिवारों, ग्रुपों, व्यवसायिक घरानों ने निजी स्वार्थ के लिए लाभ उठाया।